बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनको अभी भी शक है कि जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन है ये एक महज फ्रॉड है। ये किसी को भी लोन वगैरह नहीं देते हैं। लेकिन जो 2 दिन पहले 9 जून को बजट पेश किया गया है उसमें भी इस बारे में बात की गई है। और उसमें क्या बात की गई है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बजट का मेरे पास एक पूरा PDF पड़ा हुआ है जिसके अंदर बजट के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद है। इसमें वाजह लिखा हुआ है कि PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत छोटे और दरमियानी दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा। यहाँ पे ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। और इस मकसद के लिए अगले माली साल में मार्कअप सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपये फ्राम किए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाला वक्त यानी जून 2023 से लेके सॉरी जुलाई 2023 से लेके और जुलाई 2024 तक जो है वो एक साल के लिए 10 अरब रुपए का जो है वो फंड जारी किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनको यूथ को बिजनेस और एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए लोन फ्राहम किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और क्या तरीका कार है, किस बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे ये PM का यूथ लोन बिजनेस है, ये सीन मौजूद है यहाँ पे। अगर आप लोग 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी सूद की बुनियाद पे या मार्कअप कहले नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका जो लोन है वो 5 लाख से 15 लाख तक का होगा तो आपको 5% मार्कअप देना होगा। और अगर आपका लोन 15 लाख से 75 लाख का है तो आपको 7% का लोन देना होगा। तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद ट्रैक भी कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितनी आपकी एक साथ बनेगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है वो अपना CNIC नंबर, इश्यू डेट, और आपने 5 लाख के लिए अप्लाई करना है या 10 लाख के लिए करना है या 15 लाख से ऊपर के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करना है। और यहाँ पे ये 5 बैंक्स हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन को डील कर रहे हैं। एक तो जी बैंक ऑफ पंजाब है जो कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है, दूसरा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तीसरा है अस्करी बैंक, चौथा है SBL लिमिटेड, और पांचवा है जी मेज़ान बैंक। तो ये भी अखुवत के साथ ही काम कर रहा है और अस्करी बैंक भी अखुवत के साथ ही काम कर रहा है। तो मेज़ान बैंक के थ्रू ये लोन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी मुकम्मल तफसील वीडियो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मौजूद होती हैं एप्लीकेशन के रिलेटेड कि जब आप लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करें तो आपको किन किन चीज़ों को अपने साथ रखना होगा। और इसकी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रखनी हैं ताकि आपको मसला पेश ना आए। और याद रखिए, ये जो लोन किसी भी बैंक से अप्लाई नहीं होगा, आपको ये ऑनलाइन ही करना होगा। और इसके लिए यहाँ पे आपने जब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग मेज़ान बैंक करने जा रहे हैं या कोई और बैंक करने जा रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन मेज़ान बैंक के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग नीचे कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो लोग जो भी ये समझते हैं कि ये एक झूठ है तो फिर क्या कहा जा सकता है, अभी तो मैंने प्रूफ भी सारे आपके सामने रख दिए हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।